भाजपा ने कल एमपी में अपनी पांचवी लिस्ट जारी कर दी और इस बार जो है बड़ा नाप तोल का टिकट दिया गया है। तीन मंत्रियों का टिकट कटा है। कायदे से देखा जाए तो तीन नहीं एक मंत्री का टिकट कटा है, क्योंकि दो का तो समझ में आता है। एक ने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और दूसरे मंत्री का ने कहा कि भाई मुझे टिकट मत दीजिए, मेरी बेटी को टिकट दीजिए, तो उन्हें उनकी जगह उनकी बेटी को टिकट मिल गया। तो सही मायने में जिस एक मंत्री का टिकट कटा है उनका नाम है ओपीएस भदौरिया। वो भिंड की मेहगांव सीट से मौजूदा विधायक हैं, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री हैं और सिंधिया गुट के नेता माने जाते हैं, सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। तो इनका टिकट काटकर पूर्व विधायक राकेश शुक्ला को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ओपीएस भदौरिया ने, तो जिस भाजपा के उम्मीदवार को भदौरिया ने हराया अब उन्हें ही टिकट मिल गया है। कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद ओपीएस भदौरिया बाद में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। टिकट कटने के बाद भदौरिया का एक भावुक संदेश भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से कुछ अपील की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। अनजाने में मेरे व्यवहार से किसी को कोई पीड़ा हुई है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ जैसे अबोध व्यक्ति को मेरे क्षेत्र की महान जनता माफ कर देगी और मैं ये विश्वास दिला रहा हूं कि जीवन की अंतिम सांस तक आपकी भलाई के लिए काम करता रहूंगा। अब टिकट क्यों कटा है इस पर बात करते हैं। स्थानीय जानकारों की माने तो दावेदारों की गोलबंदी से भदौरिया का टिकट कटा है। अब ये गोलबंदी क्या है ये भी आपको समझाते हैं। जब भी एक सीट पर पांच से ज्यादा दावेदार होते हैं और वे दावेदार आपस में मिलकर एक गठबंधन कर ले, गोलबंदी कर ले, यानी कि अगर तीन दावेदार, पांच में से तीन दावेदार मिलकर संगठन के पास जाएं और ये कहें कि भाई हम में से किसी एक को टिकट दे दो, लेकिन फला आदमी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो इसे कहते हैं गोलबंदी। और इस सीट पर यही हुआ और इसी वजह से ओपीएस भदौरिया का टिकट कट गया और राकेश शुक्ला को वो टिकट मिल गया। भदौरिया सिंधिया समर्थक बताए जाते हैं। बाकी उनके टिकट कटने पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, इसके बारे में कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।